हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी टू विन एजुकेशन चैनल पे। मैं आज आपको इंटरफेरोमेट्री इन मेट्रोलॉजी के बारे में ये लेक्चर दूंगा। इसी टॉपिक पे मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड की है, आप पहले वो वीडियो देखिए। उसको मैंने इंटरफेरोमेट्री इन मेट्रोलॉजी पार्ट वन करके नाम दिया है। उस वीडियो के बाद आप एक ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने उसी लेक्चर के आगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस स्टडी हम इंटरफेरोमेट्री के मदद से कैसे करते हैं ये समझाऊंगा। पार्ट वन में मैंने इंटरफेरोमेट्री का बेसिक्स और फ्लैट सरफेस इंटरफेरोमेट्री में किस तरह के फ्रिंज पैटर्न देते हैं और वो किस तरह से हम उसे स्टडी करेंगे ये मैंने बताया था। हमने कुछ बेसिक चीजें पार्ट वन में स्टडी की, जैसे कि फ्रिंज पैटर्न मिलने के लिए एयर गैप ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस में एयर गैप होना जरूरी है। एयर गैप अगर नहीं होगा तो हमें फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेंगे। फ्रिंज पैटर्न मतलब कुछ नहीं, एक लाइट फिनोमिना है, इंटरफेरेंस फिनोमिना है, जिसमें दो मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज का इंटरफेरेंस होता है। अगर ये दो मोनोक्रोमेटिक लाइट आउट ऑफ फेज हो है तो हमें ब्लैक फ्रिंज मिलेगी, और अगर ये दो मोनोक्रोमेटिक रेज अगर इन फेज है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। आउट ऑफ फेज मतलब उन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई टू या उसके मल्टीपल में होना चाहिए, ऑड मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे कि 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसे। और अगर उन दोनों लाइट रेज के बीच का पाथ डिफरेंस इन फेज है, मतलब उसका पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है या फिर मैं कहूँगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2 मतलब ये लैम्डा हो गया, या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2 मतलब ये 2 लैम्डा हो गया। इस तरह अगर ये पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। तो ये चीज़ें हमने पार्ट वन में देखी हुई है डिटेल से। उसी के साथ हमने ये भी देखा है कि फ्रिंज हमेशा कॉन्स्टेंट गैप फॉलो करती है, जिस भी डिरेक्शन में उसे कॉन्स्टेंट गैप मिलेगी। गैप गैप मतलब क्या, गैप ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस के बीच का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस, इसे मैं गैप कह रहा हूँ। ये गैप जहाँ भी कांस्टेंट मिलेगी उसी डिरेक्शन में ये फ्रिंज है ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो ये चीजें भी हमने पार्ट वन में डिटेल से देखी है। उस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अगर फ्लैट सरफेस है तो हमें स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलती है और वो इक्वली स्पेस्ड रहती है, मगर सरफेस अगर फ्लैट नहीं है तो फ्रिंजेस जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, ये मैंने एक वर्कपीस बनाया है, इसे हम कहेंगे स्पेरिकली कॉनकेव सरफेस, और उसके ऊपर ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया है। अब देखते हैं जरा कि स्पेरिकली कॉनकेव सरफेस होता कैसा है। देखिए, ये जो है सरफेस, इसे हम कहेंगे स्पेरिकली कॉनकेव सरफेस। ये इस तरह से ऐसे डीप जैसे होगा और इसके ऊपर मैंने एक ऑप्टिकल फ्लैट रखा है, तो मैंने जो डायग्राम आपको दिखाई थी वही उसकी डायग्राम बन जाएगी। ये हो गया स्पेरिकली कॉनकेव सरफेस। इस तरह के मिरर आपने रोड पे देखे होंगे, इसे हम कहेंगे स्पेरिकली कॉन्वेक्स, क्योंकि ये ऊपर उभरा हुआ रहता है पार्ट, तो इसे हम कहेंगे स्पेरिकली कॉन्वेक्स। ये भी एक पिक्चर है स्पेरिकली कॉन्वेक्स इमेज का, पार्ट का। तो ये इससे आपको स्पेरिकली कॉनकेव और स्पेरिकली कॉन्वेक्स पार्ट समझने में मदद होगी। अब आगे चल के हम टेक्निकल डिस्कशन करते हैं, इंटरफेरोमेट्री में हम स्पेरिकली कॉनकेव सरफेस को कैसे स्टडी करेंगे और उसका फ्रिंज पैटर्न क्या होगा। तो अभी इस वर्कपीस पे मैंने एक ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया है। इस ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस के बीच में अभी यहाँ एयर गैप है, यह सारी एयर भरी हुई है। लाइट रेज ऊपर से आएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट इससे पास होगी, इस वर्कपीस से टकराएगी और पीछे रिफ्लेक्ट होगी। यह हम ऊपर से देख रहे होंगे, तो यह हमारे आंख में वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर उसके बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी वहां, और अगर ब्राइट उन दोनों लाइट रेज का पाथ डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इस तरह से हमें इस वाले सरफेस पे फ्रिंजेस दिखने वाली है। ऊपर से अगर देखा जाए तो एक स्पेरिकली कॉनकेव है तो हमें ये सर्कल मिलेगा, और फ्रिंज पैटर्न जो भी यहाँ पेन से हमने सर्कल बना है वो डार्क फ्रिंजेस आप कंसिडर कर लीजिए।
ये फ्रिंजेस सर्कुलर होंगी यहाँ, क्योंकि एक तो ये स्पेरिकली कॉन्केव है, तो वैसे भी पैटर्न जो भी मिलेगा वो सर्कुलर ही होगा, सर्कल में होगा, मगर उसके बीच में फ्रिंजेस भी सर्कुलर है। उसका कारण कि हमें पता है कि फ्रिंज हमेशा कांस्टेंट गैप फॉलो करती है, तो अगर ऊपर से देखा जाए तो कांस्टेंट गैप कहाँ मिलेगी, जैसे कि यहाँ एक गैप है, इसका डिस्टेंस कुछ ये इतना इतना वैल्यू है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मुझे यहाँ कांस्टेंट गैप नहीं मिलेगी, गैप बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो भी गैप कम हो रही है। अगर मैं सर्कुलर पाथ फॉलो करूँगा यहाँ से तो मुझे ये गैप कांस्टेंट मिलेगी पूरे सर्कमफेरेंस पे, इस वाले रेडियस पे। तो इसे ये फ्रिंज ये डायरेक्शन फॉलो करना शुरू कर देगी और हमें एक सर्कल मिलेगा इस वाले रेडियस का, तो ये हो गया एक। फिर यहाँ एक दूसरी फ्रिंज मिलेगी, वो भी एक दूसरा सर्कल फॉलो करेगी, तो इस तरह से हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फ्रिंज पैटर्न मिल जाएगा। तो इसे कहेंगे हम स्पेरिकली कॉन्केव फ्रिंज पैटर्न, स्पेरिकली कॉन्केव सरफेस का फ्रिंज पैटर्न। मगर आपने एक चीज यहाँ नोटिस की होगी कि ये जो गैप है दोनों फ्रिंजेस के बीच का, ये यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये धीरे धीरे जैसे ही सेंटर की तरफ जा रहा है ये कम कम होता जा रहा है। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में डायग्राम निकालना है। तो इसका मतलब क्या कि फ्रिंज यहाँ कांस्टेंट गैप फॉलो करती है, मगर उसी के साथ साथ इसी इंटरफेरोमेट्री की और एक प्रॉपर्टी भी है, जैसे कि हमें ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस के बीच का डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे हमें ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस के बीच का डिफरेंस निकालना, हाइट डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच के नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम गिन लेंगे और उसको हम अगर लैम्डा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस दोनों पॉइंट के बीच का गैप मिल जाएगा, ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस के बीच का। तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी भी लेक्चर 1 में देखी है, पार्ट 1 में देखी है। तो यहाँ वो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ गैप कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या, तो यहाँ फ्रिंजेस है वो भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या इंडिकेट करती है, गैप बिटवीन वर्कपीस और ऑप्टिकल फ्लैट। अगर गैप बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी बढ़ेगी, तो देखिए यहाँ गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी बढ़ती जाएगी। मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस कम होता जाएगा, तो इसीलिए ये फ्रिंज पैटर्न इस तरह से दिखाया गया है। और ये बीच का जो सर्कल है इसे हम कहेंगे बुलजाई, इसे हम कहते हैं बुलजाई। ये बुलजाई आगे जाके हमें ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है सरफेस, ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, वो हम देखेंगे आगे जाके। मगर यह आप समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने कोई एक सरफेस पे एक ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया है और मुझे फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो अभी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को देख के इतना तो पता चल जाएगा कि ये कुछ स्पेरिकली कॉन्वेक्स या स्पेरिकली कॉन्केव हो सकता है, मगर हम अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर हमें देख के भी पता चला कि जैसे कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस आगे जाके बढ़ रही है, सेंटर पे बढ़ रही है, उसकी डेंसिटी जो है फ्रिंजेस की सेंटर पे ज्यादा है, तो हम समझ लेंगे कि ये सरफेस है वो कॉन्केव है। मगर वो किस केस में पॉसिबल है, अगर ये जो कॉन्केविटी है सरफेस की वो अगर बहुत ज़्यादा है तो ये हमें ये गैप डिस्टिंग्विशली नज़र आएगा फ्रिंज पैटर्न में। मगर अगर ये थोड़ा सा ही कॉन्केव होगा, अगर थोड़े से अमाउंट पे, जैसे मान लीजिए मैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ा सा ही कॉन्केव है, तो उस वाले केस में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ही फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, मगर और उसमें भी थोड़ी बहुत डेंसिटी में भी डिफरेंस रहेगा, मगर वो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा नज़र से, हमें सारे इक्वली स्पेस्ड ही दिखाई देंगे, तो इस वाले केस में हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप इस ऑप्टिकल फ्लैट को बीच में अगर प्रेस करें, अगर बीच में या कहीं भी आप प्रेस करें इस ऑप्टिकल फ्लैट को ऊपर से फिंगर से अगर प्रेस करें, तो जो ये बुलजाई है वो मूव नहीं होगा, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, वो भी सेंटर पे फिक्स रहेगा। अगर सरफेस जो है वो स्पेरिकली कॉन्केव है तो ये बुलजाई जो एक ही जगह फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। तो ये अगर कंडीशन फॉलो करता है कोई भी फ्रिंज पैटर्न, तो उसे हम कहेंगे स्पेरिकली कॉन्केव सरफेस। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि स्पेरिकली कॉन्वेक्स सरफेस कैसा है। तो ये हो गया स्पेरिकली कॉन्वेक्स सरफेस का वर्कपीस, इसके ऊपर हमने ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया है, ऑप्टिकल फ्लैट के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पे आ रही है और यह हम ऊपर से देख रहे हैं। तो अभी होगा क्या,
यहाँ तो सरफेस पूरा टच है, ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फ्लैट सरफेस पे पूरा रेस्ट हुआ है, और हमें पता है कि अगर एयर गैप नहीं है तो फ्रिंज पैटर्न तो नहीं दिखेगा, और दूसरी बात फ्रिंज पैटर्न कांस्टेंट गैप फॉलो करता है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कांस्टेंट गैप क्या है, या अगर इस वाली गैप की बात करूँ तो इसका जो पूरा सर्कल है ये कांस्टेंट गैप का है, तो इसलिए ये एक फ्रिंज पैटर्न का सर्कल बना है, डार्क फ्रिंज का सर्कल बना है। इसी तरह इस वाले केस में भी आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही मिलेंगे, स्पेरिकली कॉन्वेक्स सर्फेस में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही मिलेंगे, लेकिन एक फर्क है कि आपको इस वाले केस में फ्रिंजेस की जो गैप है वो सेंटर की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब यह आपको सेंटर में कम फ्रिंजेस मिलेंगे, कॉन्केव सरफेस में सेंटर को सेंटर की तरफ ज्यादा फ्रिंजेस मिल रहे थे हमें। तो ये जो कंडीशन है इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि सरफेस कॉन्वेक्स या कॉन्केव है, मगर अगर इसकी कॉन्वेक्सिटी भी अगर थोड़ी ही हो, अगर बहुत ही थोड़े अमाउंट से ये कॉन्वेक्स है तो ये उसके जो फ्रिंज पैटर्न में जो भी गैप है वो गैप का डिफरेंस हम नजर से पता नहीं कर सकते, तो इस उस वाले केस में ये डिफिकल्ट हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो इस वाले केस में भी अगर हम फिंगर से इस ऑप्टिकल फ्लैट को दबाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट पे मैंने अभी फिंगर से इस ऑप्टिकल फ्लैट को दबा दिया, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल फ्लैट ऐसे तिरछा हो जाएगा, इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, और ये पूरा फ्रिंज पैटर्न भी ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी ये जहाँ ऑप्टिकल फ्लैट इस सरफेस को टच कर रहा था ना, वही ये बुलजाई था, ये बुलजाई शिफ्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमने ऑप्टिकल फ्लैट को यहाँ प्रेस कर दिया, ऑप्टिकल फ्लैट ऐसे इंक्लाइंड हो गया, तो ना यहाँ ऑप्टिकल फ्लैट टच कर रहा है इस वाले पोजिशन पे, अभी वाले केस में इस वाले पोजिशन पे टच कर रहा है, तो ये बुलजाई भी यहाँ शिफ्ट होके इस वाले पोजिशन पे हमें फ्रिंज पैटर्न इस तरह से देगा। अगर मैं फिर से इस वाले पॉइंट पे ऑप्टिकल फ्लैट को प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्टिकल फ्लैट इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा और बुलजाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर सरफेस स्पेरिकली कॉन्वेक्स है तो हम ऑप्टिकल फ्लैट को अगर डिफरेंट पोजिशंस पे डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेस करते हैं तो हमारे फिंगर की तरफ बुलजाई मूव होना शुरू कर देगा, जहाँ भी हमने फिंगर प्रेस किया है ना उसी की तरफ बुलजाई आना शुरू हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन को जान के हम पता कर सकते हैं कि सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो अगर बुलजाई मूव नहीं कर रहा है तो एक कॉन्केव सरफेस है, और अगर बुलजाई मूव कर रहा है फिंगर से प्रेस करने के बाद तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सरफेस स्फेरिकली कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। अब मैं आपके साथ रेक्टेंगुलर कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस इंटरफेरोमेट्री में कैसे स्टडी करते हैं ये बताऊंगा। अब मान लीजिए कि इस तरह का एक सरफेस है, ये कॉन्केव ही है मगर ये स्फेरिकली कॉन्केव नहीं, रेक्टेंगुलरी कॉन्केव है। जैसे कि मैं अभी यह डायग्राम बनाता हूँ, एक ये हो गया सरफेस, यहाँ मैं डॉटेड लाइन दिखाता हूँ और साइड व्यू में आपको पता चल जाएगा कि सरफेस है कैसा है। तो इस तरह के ये कॉन्केव सरफेस है, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलरी कॉन्केव सरफेस। इसमें लगभग इस वाला जो ये वाली हाइट है उसे हम एच कहेंगे, तो इसकी कॉन्केविटी एच अमाउंट है इसे हम कहेंगे। तो अगर इस वाले सरफेस पे मैं अगर ऑप्टिकल फ्लैट रख देता हूँ तो मुझे किस तरह का सरफेस पैटर्न मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न मिलेगा वो हम देखेंगे। मान लीजिए कि अभी मैंने इस वाले वर्कपीस पे एक ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया, जैसे कि ये हो गया ऑप्टिकल फ्लैट, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फ्लैट है, ये वर्कपीस है, यहाँ से ऊपर से रेज आ रही है और यहाँ वर्कपीस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है और हम देख रहे हैं उसमें, तो हमें यहाँ फ्रिंज पैटर्न मिलने वाला है। तो अभी देखिए रेज जो आ रही है इस वाले सरफेस पे टच होके रिफ्लेक्ट हो रही है, फ्रिंजेस हमेशा कांस्टेंट गैप फॉलो करती है, तो आपको पहले देखना होगा कि हमें फ्रिंज को कांस्टेंट गैप किस डायरेक्शन में मिल रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ सेंटर पे इस पोजिशन पे सेंटर पे, जैसे कि यहाँ है ये सेंटर या फिर ये सेंटर, यहाँ एक फ्रिंज शुरू होना बनना शुरू हो गई, फ्रिंजेस इस डायरेक्शन में तो ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि यहाँ तो ये सरफेस वैसे भी स्ट्रेट है, लेकिन ये ऑप्टिकल फ्लैट यहाँ इंक्लाइंड जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, यह गैप बढ़ती जा रही है ऑप्टिकल फ्लैट और सरफेस के बीच में, तो फ्रिंज ये डायरेक्शन में नहीं जाएगी, डेफिनेटली पीछे भी नहीं जाएगी क्योंकि वहां भी गैप कॉन्स्टेंट नहीं है। फिर ये लैटरली इस डायरेक्शन या फिर पीछे भी नहीं आएगी, आगे या पीछे भी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा सरफेस है वो कॉन्केव है,
तो उस डायरेक्शन में भी हमें गैप कम हो रही है, और पीछे आए तो भी हमें गैप फ्रिंजेस को कम हो रही है। तो उस वाले केस में फ्रिंज क्या करेगी, एक जगह बैठेगी नहीं, उसे गैप कॉन्स्टेंट गैप तो वैसे भी मिलने वाली है। वो गैप अगर आप सोचे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे फ्रिंज इस डायरेक्शन में जाएगी वैसे वैसे गैप कम हो रहा है, क्योंकि हमारा सरफेस जो है वो कॉन्केव है। मगर अगर फ्रिंज इस डायरेक्शन में मुड़ना शुरू कर देगी, कौन से डायरेक्शन में, राइट वाली डायरेक्शन में, या फिर ऑप्टिकल जिस डायरेक्शन में एंगल्ड है, इंक्लाइंड है, जिस डायरेक्शन में एंगल ऑप्टिकल फ्लैट का बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में अगर फ्रिंज टिल्ट होना शुरू कर देगी तो उसे एक कांस्टेंट गैप मिलेगा। जैसे कि फ्रिंज मान लीजिए यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ से फ्रिंज इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी तो यहाँ जैसे जैसे जाएगी यहाँ सरफेस कॉन्केव होने के कारण गैप कम हो रहा है, लेकिन फ्रिंज अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस वाले डायरेक्शन की, जैसे कि ऑप्टिकल फ्लैट इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इंक्लाइंड है। तो जैसे जैसे फ्रिंज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑप्टिकल फ्लैट के इंक्लाइन होने की वजह से उसका गैप बढ़ भी रहा है, और वर्कपीस कॉन्केव होने के कारण उसका गैप कम भी हो रहा है। तो अगर ये एक से कर्व पोजीशन में अगर फ्रिंज आगे आगे जाएगी, कर्व पाथ में अगर आगे आगे जाएगी, तो उसको एक कांस्टेंट गैप मिलने वाला है। तो इस डायरेक्शन में हमें, इस वाले केस में हमें इस तरह का फ्रिंज पैटर्न मिलने वाला है, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कॉन्केव सरफेस। मगर अभी हम आगे कुछ डिस्कस करने से पहले रेक्टेंगुलर कॉन्वेक्स सरफेस देखते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉन्केव हो गया, अभी रेक्टेंगुलर कॉन्वेक्स सरफेस देख लेते हैं। और एक मैं सरफेस बनाता हूं यहां, इसका साइड व्यू कुछ इस तरह का है। ये जो है वो कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स है। अभी इसके ऊपर मैंने यहां ऑप्टिकल फ्लैट इसे रख दिया है। ये हो गया ऑप्टिकल फ्लैट, ये हो गया वर्कपीस, और यहां हमें मिलेगा फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न तो वैसे वर्कपीस भी मिलेगा, वर्कपीस भी मिलेगा, यह मैं आपको दिखा रहा हूं टॉप व्यू में कैसे दिख रहा है। तो रेज आ रही है, रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ फ्रिंज पैटर्न बनना शुरू हो रहा है। फिर से मैं एक सेंटर से शुरू कर देता हूँ, यहाँ एक फ्रिंज पैटर्न बनना शुरू हो गया। वो इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती, इस डायरेक्शन में भी नहीं जा सकती, लैटरली आगे और पीछे भी नहीं जा सकती, तो हम फ्रिंज कहा जाएगी। अभी पिछले वाले केस में हमने डिस्कस किया, अगर फ्रिंज कर्व पाथ फॉलो करती, जैसे कि यहाँ इस वाले केस में फ्रिंज ने राइट तरफ मुड़ना शुरू कर दिया तो उसे कॉन्स्टेंट गैप मिली। इस वाले केस में भी अगर फ्रिंज राइट की तरफ मुड़ना शुरू कर देगी तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्कपीस नीचे जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, जैसे वर्कपीस नीचे नीचे जा रहा है और ऑप्टिकल फ्लैट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो इस वाले केस में फ्रिंज को क्या करना होगा, फ्रिंज को लेफ्ट की तरफ मुड़ना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने के बाद गैप बढ़ रहा है, और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में जितनी हो जाएगी उतना ऑप्टिकल फ्लैट और वर्कपीस के बीच का गैप कम होता जा रहा है। तो हमें इस वाले केस में इस तरह का फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो इस वाले केस में इस तरह का फ्रिंज पैटर्न आपको मिल रहा है। मगर ये दोनों फ्रिंज पैटर्न अभी मीनिंगलेस है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है अगर हम उसमें एक चीज नहीं दिखाते, वो है ऑप्टिकल फ्लैट कहाँ रेस्ट हुआ है। तो हम उसे एक्स एक्स पोजीशन से दिखाएंगे कि इस वाले पॉइंट पे ऑप्टिकल फ्लैट रेस्ट हुआ है, और इस वाले केस में ये एक्स एक्स लाइन में मैं दिखाता हूँ। तो इस लाइन का मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस लाइन के बिना ये फ्रिंज पैटर्न कुछ भी नहीं, क्योंकि इसे मैं अगर फ्लिप करके रख दूं तो ये इसी तरह दिखेगा। मगर ये लाइन होने के बाद अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है फ्रिंज पैटर्न, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रिंज पैटर्न रेक्टेंगुलर कॉन्केव सरफेस का है और ये रेक्टेंगुलर कॉन्वेक्स सरफेस का है। तो इस तरह से आपको इन दोनों सरफेस के फ्रिंज पैटर्न भी फिर आप बना सकते हो। अभी हम रेक्टेंगुलर कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कॉन्केविटी एच है, तो ये एच हो गया कॉन्केविटी। इस एच की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, मान लीजिए इस एच की वैल्यू बढ़ रही है, तो फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न ज्यादा बल्ज होगा, ज्यादा कर्व्ड होगा। जैसे मान लीजिए अभी इस एच की वैल्यू बढ़ रही है तो इस फ्रिंज का जो कर्वेचर है वो भी बढ़ता जाएगा। और मान लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस अभी है यहाँ, मान लीजिए कुछ बी है, और
इस फ्रिंज का जो भी बल्ज है या फिर जो भी कर्वेचर है उसको हम मान लेते हैं ए, ये ए वैल्यू है। अभी जितना एच की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ए की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी इसमें दूसरा पैरामीटर है लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ की वैल्यू जितनी बढ़ेगी या फिर जैसे चेंज होगी उस तरह से ये बी की वैल्यू चेंज होगी। वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो बी की वैल्यू चेंज होगी, या फिर जिस रिलेशन भी चेंज होगी, अब क्या रिलेशन होगा वो जैसे लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी बी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये लैम्डा है वो बी के प्रोपोर्शन में है। तो इस वाला रिलेशन से हमें कॉन्वेक्सिटी हम निकाल सकते हैं। अब इस वाले रिलेशन को मैं लिखता हूं एच इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू लैम्डा। अब यहां हमें e की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है और लैम्डा की वैल्यू पता है। ए और बी की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के मदद से, और लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, तो हमें एच की वैल्यू यहाँ पता चल सकती है। तो इसका मतलब है हम किसी भी सरफेस की कॉन्वेक्सिटी या फिर कॉन्केविटी ऑप्टिकल फ्लैट को उसके ऊपर रख के निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम अगर किसी भी सरफेस को पूरी तरह से फ्लैट करना चाहते हैं या फिर उसका सरफेस कंटूर देखना चाहते हैं, इसको स्टडी करना चाहते हैं, स्लिप गेजेस जब भी बनाते हैं ना तभी वो इंटरफेरोमेट्री पे रख के ही उसका सरफेस पूरा फ्लैट है या नहीं है वो देखा जाता है, क्योंकि बाद में स्लिप गेजेस को रिंगिंग करना होता है तो उसको परफेक्टली फ्लैट होना जरूरी है। तो इस सारी चीज़ों में हम इंटरफेरोमेट्री का यूज़ करते हैं। इंटरफेरोमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेट्रोलॉजी के केस में। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या डाउट है, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।